फ्रेंड्स अगर आप मार्केट से कोई भी टेबल कूलर लेते हैं तो वो आपको 2 से 2500 रुपये के बीच में मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसा कूलर आप घर पर इजीली बना सकते हैं। और फ्रेंड्स इस कूलर को बनाने के लिए जो भी सामान यूज होगा वो आपको किसी भी लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स इस कूलर में बनाने में आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, इसे आप घर पर इजीली बना सकते हैं सिर्फ 200 रुपये में। इसको बनाने में पूरा खर्चा सिर्फ 200 रुपये का आएगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी फिटिंग किस तरीके से करनी है। और फ्रेंड्स ये कूलर 100% वर्किंग है, आप इसे घर पे इजीली बना सकते हैं, उसे सिंपली यूज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आपने स्टार्टिंग में इस कूलर को देखा होगा, ये ठीक इसी तरीके से वर्क करता है। तो इस कूलर को किस तरीके से बनाना है, उसके लिए आपको कौन कौन सा सामान लेना पड़ेगा, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वरना आपसे कोई भी जानकारी मिस हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस तरीके का एक कनस्तर यूज कर रहा हूँ, ये मार्केट में 15 रुपये का आसानी से मिल जाता है। तो पहले मैं इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ देता हूँ ताकि ये पानी है वो यहाँ पे सूख जाए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग करेंगे जालियों के लिए। तो चलिए कटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी साइड में आपको 6-6 इंच साइज दे के आपको सारी जो कटिंग है वो आपको कर लेनी है, सेम एक बराबर आपको करनी है। और यहाँ पर इसका ऊपर वाला कैप भी आपको कट कर देना है। बस आपको इसे यूज करते वक्त पूरी सावधानी बरतनी है क्योंकि ये मशीन बहुत खतरनाक होती है। तो चलिए मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ। तो चलिए मैं सारी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको इसकी चारों साइड अच्छी तरीके से कटिंग करनी है। और फ्रेंड्स इसके बाद में आपको इसकी फिनिशिंग भी करनी है क्योंकि इसका जो एक भी टुकड़ा अगर रहेगा तो उससे चोट लग सकती है, तो इसकी फिनिशिंग भी साथ में ही अच्छी तरीके से कर लेनी है। और आपको इसे हाथों से टच नहीं करना है क्योंकि इसमें से कुछ टुकड़े नुकीले होते हैं तो उससे चोट लग सकती है। तो पहले मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे तरीके से काट लिया है और यहाँ पे इसकी जो साइड में यहाँ पे फिनिशिंग कर देनी है क्योंकि इसके साइड में टुकड़े नुकीले होते हैं, तो चारों साइड आपको फिनिश कर लेनी है अच्छे तरीके से पूरी सावधानी से। तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी साइड वाली जो कटिंग होती है जालियों के लिए जो यूज करेंगे हम, उसे भी मैं कर लेता हूँ और आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर नाप लिया है 6 इंच बाय 6 इंच का, मैं यहाँ पर जाली बनाऊँगा। तो चलिए मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा आपको इसे काटते वक्त पूरी सावधानी बरतनी है क्योंकि ये मशीन बहुत खतरनाक होती है। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ऐसा नहीं कि कोई भी जानकारी मैं यहाँ पर मिस कर दूँ आपसे। तो बस वीडियो को आप स्किप मत करना वरना आपसे कोई भी जानकारी मिस हो सकती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी दूंगा कि कौन सा कनेक्शन किस तरीके से करना है। तो पहले मैं इसे काट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ठीक इसी तरीके से आपको चारों इसकी जाली काट लेनी है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से काट रहा हूँ मैं यहाँ पर। देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने चारों जाली यहाँ पे कट कर ली हैं। तो आपको इनका साइज एक ही रखना है, ऐसा नहीं आपको किसी का कम या ज़्यादा कर देना है, आपको ठीक एक ही साइज रखना है आपको चारों जो हमने कट किए हैं वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स आप इसकी फिटिंग जान लेते हैं किस तरीके से इसकी फिटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी पूरी फिनिशिंग कम्प्लीट कर ली है और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। यहाँ पर इसके अंदर की साइड में भी मैंने इसे वॉश कर दिया है। तो चलिए मैं आपको एक एक पार्ट्स की डिटेल दे देता हूँ कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ यूज करनी है। देख पा रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लीन हो गया हमारे जो कनस्तर है वो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम मोटर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक 220 वोल्ट से चलने वाली मोटर यूज कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स ये 220 वोल्ट AC करंट से चलती है। और फ्रेंड्स आप इसमें DC 775 मोटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह की कोई मोटर नहीं है। फ्रेंड्स ये मोटर 12 वोल्ट DC सप्लाई पे चलती है और ये मोटर 220 वोल्ट AC करंट पे। तो मैं यहाँ पे इस मोटर को यूज करूँगा इसमें। तो चलिए मैं इस मोटर को किस तरीके से फिट करना है वो आपको बता देता हूँ। तो इसे फिट करने के लिए फ्रेंड्स हमें बीच में कुछ लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसकी फिटिंग इसमें करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का जो PVC पाइप होता है 4 इंच का,
उसे मैंने यहाँ पे ले लिया है और उसे मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने नीचे की साइड को मोड़ लिया है गैस पे गर्म करके। बस ये हमारे पार्ट नीचे की तरफ होंगे, उन्हें हम स्क्रू से यहाँ पे टाइट कर देंगे और ऊपर की साइड में हम मोटर को यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सेट करना है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से इस मोटर को यहाँ पे सेट करेंगे हम और फिर ऊपर से एक और पीवीसी पाइप लगा के इस मोटर को इसमें अच्छे तरीके से फिक्स कर देंगे। तो चलिए मैं इस मोटर को इसमें फिक्स करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इस पीवीसी पाइप को इसमें सेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स पीवीसी पाइप को आपको ठीक सेंटर में सेट करना है, ऐसा नहीं कि इसका जो कट है वो आपको इधर उधर कर देना है, आपको ठीक एक ही सेंटर में पीवीसी पाइप को सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड में स्क्रू से इसे सेट करूँगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन से स्क्रू आपको यूज करने हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके के मैं इसमें स्क्रू यूज करूँगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो इनसे मैं यहाँ जो पीवीसी पाइप है उसे सेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसे नीचे की साइड से इसमें सेट करूँगा, बाद में हम उसमें एमसी लगा देंगे ताकि इसमें से पानी लीकेज ना करे। तो पहले मैं आपको इस पाइप को सेट करके इसमें दिखा देता हूँ और आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको इसे करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो पीवीसी पाइप है उसे अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से किया है मैंने। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पे, चलिए मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार स्क्रू से मैंने पीवीसी पाइप को कुछ इस तरीके से सेट कर लिया है। तो इसमें हम बाद में एमसी लगा देंगे ताकि इसमें से पानी लीक ना करे। और यहाँ पे जो हमारा पीवीसी पाइप है वो इस टाइम यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो गया है। पहले मैं आपको इसकी जाली बना के दिखाता हूँ किस तरीके से आपको इसकी जाली बनानी है। तो जाली बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लकड़ी के 6 पीस यूज कर रहा हूँ और इनकी लंबाई मैंने यहाँ पे 12 इंच ले ली है। तो इन 6 पीस को मैं जाली बनाने के लिए यूज करूँगा। तो जाली किस तरीके से बनानी है वो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको किसी भी कूलर की दुकान पे आपको इस तरीके की प्लास्टिक की जाली आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये जाली आपको 8 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके की आप एल्युमिनियम की जाली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ पर प्लास्टिक की जो जाली होती है उसे यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी कटिंग हमें जाली के हिसाब से करनी है जो हमने कट किए हैं यहाँ पे कनस्तर में। तो उस हिसाब से आपको जाली कैंची की मदद से काट लेनी है। तो चलिए मैं काट के आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो हमारी लकड़ी है उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे मैंने डबल डबल 3 साइड बना ली है। आपको देख पा रहे हो यहाँ पे जोड़े से मैंने काट लिए हैं। तो चलिए मैं इसमें फिट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें फिट करनी है। तो इसमें फ्रेंड्स हमें घास यूज करनी है बीच में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सी इसमें घास यूज करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कूलर की घास होती है उसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो इसके बीच में हमें जो घास लगानी है और घास को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे जो कॉपर का वायर होता है उसे यूज करूँगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसे सेट करना है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा कि कौन सा कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है। तो पहले मैं आपको एक जाली बना के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे की जाली के ऊपर आपको लकड़ी रख लेनी है, फिर उसके बाद आपको घास रख देनी है और फिर उसके बाद आपको दूसरी जाली रख के उसे जो कॉपर वायर हमने लिया है उससे आपको टाइट कर देना है। तो चलिए मैं आपको इसे सेट करके दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक जाली बना ली है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने तार से इसे अच्छे तरीके से सेट कर दिया है और बीच में हमने घास को रख लिया है और दोनों साइड फ्रेंड्स हमने जो प्लास्टिक की जाली है वो हमने लगा दी है यहाँ पे। तो बीच में हमारी घास भी अच्छे तरीके से सेट हो गई, अब ये निकलेगी भी नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पर कोई चीज़ चिपकाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं वर्क करेगी। यहाँ पर मैंने इसलिए तार यहाँ पर सेलेक्ट किया है, उसमें पानी भी अच्छे तरीके से जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो तीनों जाली हैं वो मैंने यहाँ पे सेट कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारी तीनों जाली हैं वो भी यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो गई हैं। तो अब चलिए मैं इन्हें फिट करके दिखाता हूँ कि कूलर में इन्हें किस तरीके से फिट करना है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने कूलर में इन्हें अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने साइड में 4-4 स्क्रू लगा दिए एक एक जाली में और यहाँ पे चारों स्क्रू से मैंने जालियों को अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जाली नीचे तक ली है ताकि जो हमारे घास है वो यहाँ पे नीचे की तरफ ना जाए और ये जाली यहाँ पे इसी सेंटर में यहाँ पे डटी रहे। तो हमारी जाली अच्छे तरीके सेट हो चुकी है फ्रेंड्स, अब हमें इसकी मोटर की फिटिंग करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसकी मोटर की यहाँ पर फिटिंग करनी है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लुक है इसकी बिल्कुल कूलर जैसी यहाँ पर आ चुकी है। तो चलिए इसकी मोटर की फिटिंग भी जान लेते हैं कि किस तरीके से इसमें मोटर की फिटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस तरीके की जो कूलर की प्रोपेलर होती है उसे यूज कर रहा हूँ। ये आपको मार्केट में 25 या 30 रुपये की आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके की प्रोपेलर ले ली है। तो चलिए मैं इसे मोटर में सेट करके और कूलर में इसे फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो मोटर है उसे कूलर में अच्छे तरीके से फिट कर लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मूवमेंट में यहाँ पर वर्क कर रही है
और यहाँ पे जो हमारी मोटर है उसे मैंने प्लास्टिक का जो पीवीसी पाइप होता है उसे ऊपर से यहाँ पे कवर कर दिया ताकि इसमें पानी न जाए। तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का जो पीवीसी पाइप है उसे दो स्क्रू से अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी मोटर है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से फिट हो चुकी है। तो चलिए आगे फिटिंग जान लेते हैं किस तरीके से आगे फिटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस तरीके की एक वाटर पंप यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसे एक पहले वीडियो बना के दिखा दिया कि किस तरीके से आप इस तरीके की कूलर की मोटर घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो ऊपर जो आपको आई बटन में लिंक नजर आ रही है उस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको और भी वाटर पंप बनाने हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में वाटर पंप की लिंक दी है, तो आप उन पर जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आप उसमें से किसी भी तरह की वाटर पंप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाटर पंप को इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसे किस तरीके से इसमें फिट करना है वो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इस तरीके के प्लास्टिक के जो पीवीसी पाइप होता है उन्हें मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इनके मैंने 6 इंच के 3 टुकड़े काट लिए हैं। और फ्रेंड्स इन्हें मैं साइड से यहाँ पे बंद कर दूंगा ताकि इनमें से पानी बाहर की साइड में ना निकले, और इनके ठीक सेंटर में हमें छेद कर देने ताकि जो जाली में अंदर पानी जा सके। तो चलिए इन्हें फिट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मोटर में से पाइप में पानी पहुँचाने के लिए मैं लेवल पाइप का यूज़ करूँगा। तो लेवल पाइप को किस तरीके से इसमें फिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको लेवल पाइप के 3 टुकड़े आपको कुछ इस तरीके से वाटर पंप में सेट कर देने हैं, और उन तीनों टुकड़ों को आपको जो हमने तीनों पाइप बनाए हैं उनमें कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स सारे पाइप को मैंने साइड से बंद कर दिया है और इनमें मैंने कुछ इस तरीके से छेद कर दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ठीक इसी तरीके से आपको कर लेने हैं और साइड से इन्हें बंद कर देना ताकि पानी साइड में से ना निकले, जो हमने छेद किए हैं उनमें से पानी निकले तभी ये पानी जालियों तक जा पाएगा। तो चलिए इसे कूलर में किस तरीके से फिट करना है वो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कूलर में तीनों पाइप को अच्छे तरीके से सेट कर लिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जालियों मैंने बीच में लगा दिए, और जो हमारे नीचे मोटर वो मैंने नीचे कूलर की टंकी में डाल दिए, और ये तीनों पाइप मैंने अच्छे तरीके से जालियों में सेट कर दिए ठीक सेंटर में ताकि इनमें से पानी जाली की जो घास है उसमें जा सके। और फ्रेंड्स जो घास में से पानी है वो सीधा टंकी में जाएगा ताकि ये मोटर हमारी पानी को दोबारा यहाँ पर ऊपर की साइड में निकाल सके। तो चलिए आगे ही फिटिंग किस तरीके से करनी है वो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आगे की जाली बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक का जो पीवीसी पाइप होता है उसके मैंने कुछ टुकड़े काट लिए हैं कुछ इस तरीके से। तो इनकी चौड़ाई फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 5 mm रखी है, तो सारे पीस मैंने कुछ इस तरीके से काट लिए हैं। तो चलिए इन्हें किस तरीके से फिट करना है इसमें वो आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसकी जाली को अच्छे तरीके से सेट कर लिया है फेविक्विक से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी जाली बना लेनी है फ्रेंड्स, आप इस पर कलर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 स्विच लगा दिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से लगाया है। इनका जो माइनस वाला निशान है वो नीचे की तरफ है, तो इसी साइड ये ऑन होती है, तो आपको भी ठीक इसी तरीके से कर लेनी है। चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। फ्रेंड्स जो मोटर है वो उसे मैं 12 वोल्टेज के चार्जर से चलाऊंगा, और यहाँ पे जो हमारी मेन मोटर है उसे मैं डायरेक्ट एसी लाइट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी मोटर है वो 220 वोल्ट एसी करंट से चलती है, तो जो रेड वाला वायर है वो यहाँ से स्विच से होके उसके पॉजिटिव पर गया है, और जो ब्लैक वाला वायर है वो डायरेक्ट गया है। फ्रेंड्स वैसे तो एसी लाइन की मोटर में कोई प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारे जो वायर है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और फ्रेंड्स जो हमारी डीसी मोटर है उसके लिए मैंने एक एडेप्टर यूज किया है 12 वोल्टेज का, तो इसमें यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट देंगे तो यहाँ से आउटपुट में हमें 12 वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ से इसका जो 12 वोल्टेज आउटपुट निकलेगा उसका पॉजिटिव मैंने डायरेक्ट मोटर पर पॉजिटिव दे दिया, और नेगेटिव को मैंने स्विच से होकर नेगेटिव पे दे दिया है। फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी फिटिंग है इसकी, अगर आपको इसे समझने में दिक्कत आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब उसके जो ऊपर वाला कैप है वो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ऊपर का जो कैप है उसके लिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन की यहाँ पर टुकड़ा काट लिया है, तो इसे मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से काटूँगा कि इसका एक कवर जैसा बन जाए। तो चलिए मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको उसे काटना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसे चारों साइड से यहाँ पे कट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो चलिए इसे किस तरीके से मोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो कूलर है वो यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो मैंने इसके ऊपर वाला जो कैप है वो भी यहाँ पे बना दिया है, तो इसे फिलहाल मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसके वायर 12 वोल्टेज का जो एडाप्टर वो लगा दिए वाटर पंप के वायर उसमें, और यहाँ पे ये हमारा एसी लाइन का प्लग है, तो इसे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसमें 4 लीटर से ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कम से कम इसमें 3-4 लीटर पानी तो आराम से आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसमें पानी डाल के और फाइनली आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया, करीब 5-6 लीटर पानी इसमें आराम से आ गया है। तो चलिए मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका प्लग एसी लाइन में लगा देता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे दो स्विच हैं, ये हमारा वाटर पंप वाला स्विच है और ये हमारा जो मेन मोटर है पंखे वाली उसका स्विच है। तो चलिए मैं आपको दोनों को ऑन करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको वाटर पंप ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख पा रहे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पानी आ रहा है। चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो तीनों पाइप है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे पानी आ रहा है तीनों पाइप में, और हमारी वाटर पंप भी यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। फ्रेंड्स हमारी जो वाटर पंप है वो इस टाइम पानी में और ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देख के इसे बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए अब इसकी मेन मोटर मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इस मोटर को ऑन कर लेता हूँ। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो यहाँ पे चालू हो गई इस टाइम। तो चलिए मैं दिखाएगा आपको ये कितनी हवा दे रही है यहाँ पे। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो कूलर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे इसकी हवा भी काफ़ी तेज आ रही है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये कागज़ के टुकड़े यहाँ पे हवा की वजह से कितनी तेज़ी से यहाँ पे उड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे तीनों जाली में पानी भी आ रहा है अच्छे तरीके से, और वो पानी भी यहाँ पे बाहर की साइड में नहीं गिर रहा, वो अंदर ही जा रहा है इसी की टंकी में। तो आपको पानी भी इसमें बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ये पानी सूख जाएगा तभी आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे थोड़ी देर हुई है उसमें से ठंडी हवा भी आने लगी यहाँ पे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप एक घर पर कूलर बना सकते हैं और वो भी बहुत ही कम पैसों में। और फ्रेंड्स ये कूलर बिल्कुल नए कूलर जैसा, जैसा कि आप मार्केट से खरीदते हैं उसी कूलर जैसा वर्क करेगा। इसमें हमने सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही लगाई हैं। यहाँ पे पानी के लिए मोटर भी लगाई है, साथ ही साथ इसमें तीन जाली भी लगाई हैं, और यहाँ पर आगे का जो फ्रेम होता है वो भी हमने बनाया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें एक पावरफुल मोटर भी लगाई है जिससे काफ़ी तेज़ यहाँ पर हवा आ रही है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें साइड में दो हैंडल भी लगा सकते हैं जिससे आप इसे ईजिली हैंडल से उठा के कहीं भी आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे तरीके से लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा। फ्रेंड्स बस आपको पूरी सावधानी से इसके जो कनेक्शन है वो आपको टेप से कवर कर देने हैं, आपको कोई भी वायर आपको खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें पानी अंदर की साइड में रहेगा तो उसमें ऐसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो आपको इसे सावधानी से यूज करना है, ठीक है। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसकी प्रोपेलर नज़र आ रही होगी, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर घूम रही है। तो देख पा रहे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो पानी है वो अच्छे तरीके से तीनों जाली में जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपके लिए ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई भी आइडियाज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।